प्रिय मित्रों, मैं आप सबका दोस्त गणेश अहुवाड़ आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल ओम टेक की दुनिया में हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखिए और लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को भी ऑन कीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। वेद उपनिषद और गीता तीनों ही कर्म को कर्तव्य मानते हैं, यही पुरुषार्थ है। जो व्यक्ति भाग्य ज्योतिष या भगवान भरोसे हैं, उसको भी कर्म किए बगैर छुटकारा नहीं मिलने वाला। धर्मशास्त्र और नीति शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म के बगैर गति नहीं। आओ मित्रों, छह प्रकार के कर्मों के बारे में जानकारी लेते हैं। एक, नित्य कर्म अर्थात दैनिक किया जाने वाला कार्य। दो, नैमित्य कर्म मतलब नियमशील किया जाने वाला कार्य। तीन, काम्य कर्म मतलब किसी मकसद से किया हुआ कार्य। चार, निष्काम्य कर्म अर्थात बिना किसी स्वार्थ के किया हुआ कार्य। पांच, संचित कर्म अर्थात प्रारब्ध से सहेजे हुए कर्म। छह, निषिद्ध कर्म मतलब नहीं करने योग्य कर्म। आइए मित्रों, अब हम कर्म बंधन के बारे में जानकारी लेते हैं। किए गए कर्मों का प्रतिफल चुकाए बिना जन्म मरण के बंधन से मुक्ति न मिलना ही कर्म बंधन होता है। जो जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है। सत्कर्मों का अंत सद्गति और दुष्कर्मों का फल दुर्गति, यही सनातन सत्य है। यदि आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं तो संचित कर्मों का प्रतिफल यदि इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में भी भुगतना पड़ता है। फिर हमारे मन में यह प्रश्न आएगा कि क्या कर्म बंधन से मुक्ति मिलना संभव है? तो मित्रों, इसका उत्तर यह है कि केवल आत्मज्ञान की अग्नि से ही संचित कर्मों के बंधन से मुक्ति संभव है। बिना आत्मज्ञान के कर्म बंधन से मुक्ति पाना असंभव है। फिर आप सोचेंगे कि क्या हम कर्म करना ही बंद कर दे? तो साथियों, इसका उत्तर हमें परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से कर्म योग द्वारा दिया है। कर्म तो करे, लेकिन कर्मों को बंधन करने वाला न बनाए। कर्म करके अगले जन्मों के बंधन को काटने के लिए कर्म करे। जैसे कांटे से कांटा निकलता है, वैसे ही कर्मों से कर्मों का बंधन कटता है। जो मनुष्य कर्मों से कर्मों का बंधन काटने का प्रयास नहीं करता है, वो मनुष्य शरीर पाकर मूर्ता को पा लेता है। कर्म से कर्म काटा भी जाता है और कर्म से कर्म बनाया भी जाता है। कांटे से कांटा निकाला भी जाता है और कांटे से कांटा और परेशानी पैदा किए जाने वाला भी किया जा सकता है। वैसे तो प्रकृति में देखा जाए तो नित्य कर्म हो रहा है, हमारे शरीर में भी नित्य कर्म हो रहे हैं। नदी, समंदर, पेड़ पौधे, सूरज, चांद, सितारे सभी अपना अपना नित्य कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो यज्ञात कर्म कर रहे हैं अर्थात कर्तव्य कर्म कर रहे हैं और किसी भी प्रकार के फल की आकांक्षा और अहंकार नहीं करते। प्रकृति में कर्तव्य कर्म हो रहा है, हमारे शरीर में कर्तव्य कर्म हो रहा है, लेकिन ये यज्ञात कर्म है। ईश्वर की पूजा के लिए, ईश्वरीय सृष्टि में साझीदार होने के लिए जो कर्म है वो यज्ञात कर्म है, और अपना अहंकार पोषने के लिए, अपना स्वार्थ पोषने के लिए जो कर्म है वो कर्म बंधनकर्ता हो जाते हैं। जो यज्ञात कर्म करते हैं वो तो बंधन से मुक्त होते हैं, लेकिन जो स्वार्थ प्रायण होकर कर्म करना पड़े तो कर्म के जाल में फंस जाते हैं। तात्पर्य यही है कि हमें प्रारब्ध से मिला हुआ हर काम या कर्तव्य निस्वार्थ भाव से बिना फल की अपेक्षा ईश्वरीय सेवा समझ कर करना है, तभी हम कर्म बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को हम ईश्वर समर्पित करते हैं। धन्यवाद।